देखिएगा, सबसे पहले हम सिलेबस पे डिस्कस करते हैं कि आपके 11th का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो याद रखिएगा कि आपका सिलेबस जो है फिजिक्स का तीन पार्ट में बांट दिया गया। पहला है मैकेनिक्स, सेकेंड है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड है एसएचए। इसका फुल नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिएगा ये मेन पार्ट और इसी पे हम लोग का क्लास 11 का होल सिलेबस कवर करेगा। और इसके साथ याद रखिएगा कि 11 आपका वो जेई और मेडिकल ये पूरे के सिलेबस है। तो याद रखिएगा कि मैकेनिक्स में आपको पहला पार्ट पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। सेकेंड पार्ट है एरर। थर्ड पार्ट है आपका वेट। इसके बाद मोशन। मोशन के बाद आता है बाबू न्यूटन्स लॉ। अब इस लॉ में याद रखिएगा कि दो टॉपिक मिलाइए, फोर्स और सेकेंड है फ्रिक्शन। ये दोनों चैप्टर साथ में चलेगा आपका। इसके बाद आपको पढ़ना है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसके बाद आपको पढ़ना है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन। इसके बाद पढ़ना है ग्रेविटेशन और लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यही आपका टॉपिक है। इसमें ध्यान रखिएगा ये आपका मेन पार्ट है और ये अभी आपका अलग पार्ट है। चलिए आज हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं बेस। तो देखिएगा कि आपका स्टार्टिंग कर रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स अभी तक आप 9th-10th में जो भी डिफिनेशन पढ़ रहे हो, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई फिजिक्स पूछते हैं तो आप उनको सिंपल सा जवाब दीजिए, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिक्स। अब आप देखिएगा कि फिजिक्स में दो टर्म नया है, एक है आपका मेजरमेंट और सेकेंड पॉइंट है क्वांटिटी। मेजरमेंट में देखिएगा, मेजरमेंट ये आपका मेजरमेंट, मान लीजिए कि आप मार्केट गए और कोई सब्जी खरीदे, सब्जी वाले को आप बोल रहे हैं कि भैया हमें 5 kg सामान, ठीक है। इस 5 kg सामान के लिए क्या करता है, इसमें हमें दो चीज चाहिए, 5 ये आपका नंबर जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और एक केजी आपका जो है यूनिट। मतलब मेजरमेंट के लिए आपको दो टर्म चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इसलिए ध्यान रखिएगा आज से कि कभी भी मेजरमेंट पूछे
तो आप उनको जवाब दीजिए कि ईट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। चलिए ध्यान रखिएगा, तो मेजरमेंट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब आप ध्यान रखिएगा कि मेजरमेंट का डिनोट एम से, न्यूमेरिकल वैल्यू एन, यूनिट यू। तो यहां पे आप लिखिए कि एम इज इक्वल टू एन इन टू, ए आपका एक रिलेशन आया मेजरमेंट के साथ। अब चलिए अब एक पॉइंट देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन देखिएगा कि रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब हमको ये दोनों का रिलेशन चाहिए था, तो आप ध्यान रखिएगा कि मेजरमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप कहीं भी सामान के लिए आपका देखिएगा प्लेस तो चेंज है बट ये वैल्यू हमेशा सेम है, तो जब वैल्यू सेम हो तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो आप लोग ही बताइए एम इज इक्वल टू एन इन टू, अब आपका एम कांस्टेंट है तो यहां पे आप कांस्टेंट रखिए, कांस्टेंट इज इक्वल टू एन इन टू। अब यहां मल्टीप्लाई का साइन है, नीचे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो याद रखिएगा एन इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट इनटू वन बाई यू, और आज से ध्यान रखिएगा कि जब कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन है। तो ये ध्यान रखना पूरे फिजिक्स में कि कांस्टेंट को जब रिप्लेस करेंगे प्रोपोर्शनल, अब प्रोपोर्शनल जब रिप्लेस करेंगे तो कांस्टेंट। तो यहां पे हमें जो रिलेशन मिला न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट विद इनवर्सली का, इसका एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि 5 केजी इक्वल टू 5000 ग्राम, न्यूमेरिकल वैल्यू इसको n1 मान लो, यूनिट u1, n2 और u2। तो ध्यान रखिएगा कि आपका n1 जो है स्मॉलर है n2 से, तो यहां पे u1 जो होगा ग्रेटर होगा u2 से। देख रहे होंगे आप 5 और 5000 बड़ा है 5 से, लिख दिए केजी बड़ा है ग्राम से, एक्सप्लेन करें। तो आज से ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई रिलेशन पूछ दे कि मेजरमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, तो ये रिलेशन आप हमेशा ध्यान रखना। अगर कभी कोई रिलेशन पूछे कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, तो ये इनवर्सली का रिलेशन एक्सप्लेन कीजिएगा। चलिए इसमें कुछ टॉप क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा कि हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ दे कि 500 ग्राम इज इक्वल टू .. अब 500 ग्राम इज इक्वल टू .. तो यहां पे कुछ नहीं तो आप x मान लीजिए। चलिए हम लेट कर लिए,
और इस x का वैल्यू निकालना। तो यहां से आप कैसे कीजिएगा, 500 ग्राम इक्वल टू x केजी। अब आपको x का वैल्यू चाहिए था, इसको आप ऐसे लिखिए 500 ग्राम इक्वल टू x इनटू 1 इनटू केजी। तो x इक्वल टू 500 ग्राम बाय 1 केजी, ये ग्राम है ये केजी है यूनिट, तो इसको सेम कर दीजिए। तो आप लोग जानते हैं एक केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, कट गया बाबू, दो जीरो कट गया। तो यहां पे आपको मिला x इक्वल टू 5/10, इसका मतलब है 0.5। तो आप ध्यान रखना कि 500 ग्राम इक्वल टू 0.5 केजी। तो जनरल फार्मूला देख लीजिए, जनरल फार्मूला अगर कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर आपको x निकालना हो, x इक्वल टू m ग्राम बाय 1 के, m आपका गिवन वैल्यू रहेगा, ये आपका बाबू, ये आपका सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस है। अगले क्लास में ध्यान रखिएगा कि अब डिस्कस करेंगे क्वांटिटी, अब क्वांटिटी पे ही डिस्कस होगा, हम लोग मेजरमेंट सीख चुके हैं। थैंक यू।